हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज हम लोग आए हैं मरीन ड्राइव पटना का, जो कि देखने के लिए। और आज है छठ पूजा, जो कि 2023 का। तो फाइनली अभी देख सकते हैं हम लोग हैं मरीन ड्राइव के ऊपर। तो अभी फाइनली आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरा से। ये है मरीन ड्राइव का नज़ारा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइनली देख सकते हो। और इधर से ब्रिज, कितना बड़ा ब्रिज है। और इस तरफ है गंगा नदी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और फाइनली थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा छठ पूजा का घाट। और देख सकते हैं मरीन ड्राइव का जो कि रोड कहां से कहां जा रहा है छठ पूजा। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग नगर निगम में, जो कि यहां पर मेला लगा है छठ का। और बहुत ही बड़ा मेला लगा है, क्योंकि यहां पर नीचे में बहुत ही मैदान खाली है, और जहाँ पर दुकान सब आया है। और देख सकते हैं अभी छठ पूजा है आज। और यहाँ पर ऊपर लगाया गया है नगर निगम का बैलून, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर की ओर उड़ते हुए। और देख सकते हैं नज़ारा मरीन ड्राइव का। ये पटना का मरीन ड्राइव है, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ से। देखिए आप लोग मरीन ड्राइव। तो आज है छठ पूजा, इसके कारण बहुत ही भीड़ भाड़ है, थोड़ा सा है। तो अभी उतना टाइम नहीं हुआ, क्योंकि छठ का टाइम होता है 3 बजे लगभग शाम को थोड़ा सा। तो अभी मैं मरीन ड्राइव के ऊपर हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और पीछे देख सकते हैं ब्रिज। और फाइनली अभी इधर है नगर निगम का छठ घाट, जो कि यहाँ पर मरीन ड्राइव का छठ घाट है। यहाँ का छठ घाट भी बहुत बड़ा ही है, और यहाँ पर मेला भी लगता है, देख सकते हैं। और फाइनली आगे जा रहे हैं अभी हम, का नज़ारा दिखिए थोड़ा सा। और NDRF का टीम देख सकते हैं आप लोग नदी में, गंगा नदी में, मतलब ड्यूटी करते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और इधर पुलिस जवान, जो कि आज छठ का पूजा है, छठ पूजा। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पेंडल उंडल भी टांग दिया गया है मरीन ड्राइव के ऊपर। और देख सकते हैं मरीन ड्राइव, देख सकते हैं आप लोग अभी छठ पूजा का, मतलब घाट में, जो कि अभी प्रसाद उरसाद केला उला लेके जा रहा है आदमी सब, जो कि जो भी अभी छठ पूजा मनाएगा, देख सकते हैं। और मरीन ड्राइव के बगल में ही कुछ कपड़ा टान दिया गया है, क्योंकि आज छठ पूजा है, इसके कारण थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है मरीन ड्राइव। और देख सकते हैं इधर से नज़ारा थोड़ा सा। और यहाँ पर छठ पूजा का सामान ले जाते हुए, तो फाइनली और आगे की ओर जाएंगे हम लोग। फाइनली मैं आया पैदल आते आते आ गया हूँ ब्रिज के पास, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर ही है ब्रिज। और ब्रिज के नीचे कुछ दिखाऊंगा, जो कि पत्थर को बहुत ही खूबसूरत से बैठाया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी एक छठ घाट है, और पत्थर सबको बैठाया गया है बहुत ही खूबसूरत से, देख सकते हैं नीचे। ये है मरीन ड्राइव का ब्रिज, जो कि देख सकते हैं आप लोग गंगा नदी के ऊपर, देख सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेन भी जाता है, और बाइक, गाड़ी, कार सब कुछ जाता है, देख सकते हैं। नीचे ट्रेन और ऊपर बाइक, कार, मोटरसाइकिल सब कुछ जाता है। और नीचे गंगा नदी, और फाइनली इधर से ब्रिज, और नीचे रोड, और इधर से छठ पूजा का, मतलब सामान लेके आते हुए आदमी सब, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मरीन ड्राइव, क्योंकि पहली बार आए हम लोग देखने के लिए। और साफ सफाई बहुत ही है मरीन ड्राइव में, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है उतना ज़्यादा। और बगल में झाड़ उड़ है, लेकिन रोड बहुत साफ है, साफ सुथरा, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं उधर जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो देख लीजिए, फाइनली पैदल आते आते आ गया ब्रिज के पास, जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। और देख सकते हैं गंगा नदी अभी पूरा दिखाई दे रहा है। और मरीन ड्राइव के ऊपर लाइट दिया गया है, जो कि रात को बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा शायद, देख सकते हैं। अगर पूरा लाइट रात को चालू किया जाएगा तो बहुत ही, मतलब शानदार दिखाई देगा लाइटिंग मरीन ड्राइव का। तो रात को तो नहीं दिखा से पाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ से दूर जाना है कहीं। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा ब्रिज का।